आज मैं आपको सबके फेवरेट चीज़ कॉर्न बॉल सिखाने वाली हूँ। चीज़ कॉर्न बॉल बाहर से क्रंची और अंदर से चीज़ पिघलने की वजह से बहुत ही सॉफ्ट तैयार होते हैं। ये मेल्ट इन माउथ है। अगर आपने इसे एक बार घर पे बनाया तो आप कभी भी इसे बाहर से नहीं मंगवाएंगे। ये इतना टेस्टी बनते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए चीज़ कॉर्न बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून बटर डाल दिया है। मैंने बटर को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैदा डाल रही हूँ। मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने गैस का आंच एकदम धीमा रखा है। मैं मैदे का हल्का गुलाबी रंग आए तब तक ही मैं इसे सेकूँगी। बहुत ही बढ़िया मैदे की सिकने की खुशबू आ रही है और इसका रंग भी हल्का गुलाबी हो गया है। अब मैं इसमें आगे के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें 200 ml मतलब 1 कप दूध डाल रही हूँ। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप इसमें दूध जो रूम टेम्परेचर पे होता है वो ही यूज़ कीजिए। अब मैं इसे मीडियम आंच के ऊपर कुक करूँगी। मैंने इसमें मैदे का उपयोग किया है इसीलिए मैं इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए कुक करूँगी। स्पैचुला की सहायता से कढ़ाई में जो भी मिश्रण लगा है उसे मैं निकाल लेती हूँ और इसे मैं कुक कर लेती हूँ। मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देती हूँ। मैं ये स्टेज के ऊपर गैस को बंद कर देती हूँ। अब मैं इसमें 2 चीज़ स्लाइस डाल रही हूँ, 1/2 कप बॉयल्ड मकई के दाने। मैं जब भी चीज़ कॉर्न बॉल बनाती हूँ तभी उसमें हमेशा 2 चीज़ का उपयोग करती हूँ जिससे ये बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑरिगेनो। मैं इसमें नमक डाल रही हूँ क्योंकि प्रोसेस चीज़ और चीज़ स्लाइस में नमक होता है, इसलिए मैं नमक थोड़ा सावधानीपूर्वक इसमें ऐड करूँगी, स्वाद के अनुसार नमक। अब मैं आंच को शुरू कर देती हूँ और सारी सामग्री को कुक कर लेती हूँ। मैं इसे मीडियम आंच के ऊपर कुक कर रही हूँ। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं आपको जो रेस्टोरेंट वाले सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं वो बताती हूँ। 1/4 कप ब्रेड क्रम्स। हमें ब्रेड क्रम्स जो वाइट वाले मिलते हैं वही यूज़ करने हैं। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। दोस्तों, ये रेस्टोरेंट का सीक्रेट इंग्रेडिएंट रेसिपी है। जब भी आप ये इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और इसे कुक करेंगे आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा ही रिजल्ट मिलेगा। हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। यही स्टेज के ऊपर मैं आंच को बंद कर देती हूँ। अब मैं ये मिश्रण को थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। 10 मिनट हो चुके थे और मिश्रण काफ़ी ठंडा हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ। ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होता है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैं मिश्रण को स्पैचुला की सहायता से प्लेट में स्प्रेड कर देती हूँ। मिश्रण थोड़ा सा गर्म है इसके लिए जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तभी इस मिश्रण को मैं फ्रीज में 1/2 घंटे के लिए रख दूँगी। जब मिश्रण गर्म हो तभी आप इसे कभी भी फ्रीज में ना रखिए। जब ये पूरा ठंडा हो जाए तभी आप इसे फ्रीज में रख दीजिए। जब तक मिश्रण ठंडा हो रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक बोल के अंदर 1/4 कप मैदा ले लिया है। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल देती हूँ। बाकी पानी हम बाद में डालेंगे और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपने इसमें बहुत सारा पानी डाला तो इसे मिक्स करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हमेशा थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारा मिश्रण बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी का पानी ऐड कर देती हूँ। मैंने टोटल 1 कप पानी लिया है। हमारी स्लरी बनके तैयार हो चुके हैं, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। 1/2 घंटा हो चुका है और हमने जो चीज़ कॉर्न बॉल का मिश्रण ठंडा होने के लिए रखा था वो रेडी हो चुका है। इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिश्रण बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें से छोटे बॉल्स बना लेती हूँ। आपको जो भी साइज़ पसंद है वो साइज़ के आप मिश्रण के बॉल्स बना लीजिए। मैं हमेशा थोड़ी छोटी साइज़ के बॉल ही बनाती हूँ। मैंने चीज़ का स्टफिंग थोड़ा निकाल लिया है और उसे मैं मैदे में थोड़ा कोट कर लेती हूँ। इस प्रकार मैदे में कोट करने से चीज़ कॉर्न बॉल्स बहुत ही बढ़िया तरीके से आप तैयार कर पाएंगे। जब भी आप कोई भी रेसिपी चीज़ से बनाते हैं तो इस प्रकार से उसे कोटिंग करना ज़रूरी है। जैसे मैंने ये बॉल तैयार किया है बिल्कुल इसी तरह मैं सारे चीज़ कॉर्न बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। हमारे सारे चीज़ कॉर्न बॉल्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। मैंने रेसिपी के लिए जो हमने स्लरी बनाई है वो चीज़ कॉर्न बॉल्स, 1 प्लेट और ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। चीज़ कॉर्न बॉल्स बनाने के लिए मैंने इस प्रकार से ब्रेड क्रम्स लिए हैं जो थोड़े से मोटे वाले होते हैं, मैं हमेशा वही उपयोग करती हूँ। आपको ये रेसिपी मैं पहले सिखा चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हमने जो बॉल्स तैयार किए हैं उसे मैं अच्छे से पहले गोल शेप दे देती हूँ। अभी जो स्लरी तैयार किए हैं उसे मैं इसमें डिप कर लेती हूँ।
मैं इसे स्लरी से निकाल लेती हूँ और थोड़ी देर इसे फोक के ऊपर पकड़ के रखती हूँ, जिससे जो भी एक्स्ट्रा स्लरी होगी वो निकल जाएगी। अभी हमने जो ब्रेड क्रम्स की प्लेट ली है उसमें मैं इसे डाल देती हूँ। मैं इस पे अच्छे से ब्रेड क्रम्स कोट कर लेती हूँ। जब एक बार ब्रेड क्रम्स अच्छे से कोट हो जाए, फिर से मैं इसे स्लरी में डाल देती हूँ और सेम प्रोसेस में वापस करती हूँ। मैंने दोबारा ब्रेड क्रम्स भी कोट कर लिया है। अब मैं इसे स्लरी में तीसरी बार ऐड कर रही हूँ और वापस मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स बहुत ही अच्छे से कोट कर लेती हूँ और इसे प्रॉपर शेप दे देती हूँ। जब भी आप चीज़ से कोई भी रेसिपी बनाते हैं, तभी इस प्रकार से इसे तीन बार कोट कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये तीन बार कोट करने के बाद कितना सुंदर दिख रहा है। बिल्कुल इसी तरह मैं सारे चीज़ कॉर्न बॉल्स तैयार कर लेती हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने सारे चीज़ कॉर्न बॉल्स को ब्रेड क्रम्स से कोट कर लिया है। अब हम इसे तल लेते हैं। मैंने तेल को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। हम हमारे तैयार किए हुए चीज़ कॉर्न बॉल्स तल लेते हैं। जब भी आप कोई भी चीज़ वाली रेसिपी फ्राई करते हैं, तभी एक साथ में बहुत सारे पीसेस में मत ऐड कीजिए। तीन नहीं तो चार पीस ऐड करके ही इसे फ्राई कीजिए, जिससे तेल का तापमान परफेक्ट रहेगा और चीज़ कॉर्न बॉल्स बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इस पे हल्का सा गुलाबी रंग आ चुका है। अब मैं इसे टर्न कर लेती हूँ। हम इसे इस प्रकार से थोड़ा टर्न करते हुए तलेंगे, जिससे ये सब जगह से अच्छी तरीके से तले जाएंगे। बहुत ही बढ़िया चीज़ कॉर्न बॉल्स तैयार हो चुके हैं। इसे मैं निकाल लेती हूँ। मैं हमेशा इसी प्रकार से इसे तलती हूँ। हमारे सारे चीज़ कॉर्न बॉल्स बनके तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपी है। फ्रेंड्स, मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रीमी तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना क्रीमी और चीज़ बहुत ही अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुका है। हमारे मुंह में घुल जाने वाले चीज़ कॉर्न बॉल्स बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए।